हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 माइनस 5 2 0 एंड बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 17 0 माइनस 10 देन डिटरमिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू। तो सबसे पहले हम इसके लिए की कंसेप्ट को समझ लेते हैं। की कंसेप्ट, तो इसके लिए की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, जैसे कि हमें कैलकुलेट करना है डिटरमिनेंट ऑफ पी क्यू, तो हम प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट से हम इसको क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ पी इंटू डिटरमिनेंट ऑफ क्यू। उसके अलावा 2x2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हमारे पास है एक 2x2 मैट्रिक्स जिसके की एलिमेंट है a11, a12, a21 और a22। तो इसका हम डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं 2x2 मैट्रिक्स के लिए, a11 यानी कि हम इसके आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब सामने वाले एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और बीच में माइनस साइन आता है, तो a11, a22 माइनस a12 और a21। तो अब हमें यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए बी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ बी। तो यहाँ से सबसे पहले हम ए का डिटरमिनेंट कैलकुलेट करते हैं। तो ए मैट्रिक्स हमें दे रखी है ए इज इक्वल टू 3 माइनस 5 2 0, तो इसका क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 इंटू 0 0 और ये माइनस का 10 तो प्लस का ये 10 हो जाएगा, कितना आ गया प्लस का 10। और उसके अलावा बी हमें क्या दे रखा है, 117 0 माइनस 10, बी हमें दे रखा है 117 0 माइनस 10, तो इसका डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस 10 और प्लस का 0, तो कितना हो गया माइनस का 10। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ ए भी कितना हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना आया था, ये हमारे पास 10 आया है, ये 10 और यहाँ पे माइनस 10 आया है, तो कुल मिला के कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में माइनस का 100। तो यही हमारा आंसर है। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।